हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ टुडे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक, रियल वैल्यूड फंक्शन। इफ एक्स एंड वाई आर रियल वेरिएबल्स, देन जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वेयर आई इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन। अगर आपके पास एक्स एंड वाई बोथ आर रियल वेरिएबल्स है, सो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई वो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो जाएगा। If corresponding to each value of complex variable z equal to x plus i y is given region R, there correspond one or more values of complex number w equal to u plus i v, then w is called a function of complex variable z. So, यहाँ पे जो w है वो complex function है और it is denoted by w equal to f of z equal to u plus i v, where u and v are function of x and y. और जो w है उसे हम डिनोट करेंगे f ऑफ z से, एंड इट इज़ रिटन एज u प्लस आई वी फॉर्म, एंड u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। हियर u इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ w और f ऑफ z, एंड v इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट ऑफ w और f ऑफ z। यहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आई वाई, एक्स इज अ रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज अ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड था, उसी टाइप से यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है डब्ल्यू इक्वल टू यू प्लस आई वी, उसमें यू जो है वो आपका रियल पार्ट है और जो वी है वो आपका है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू पावर जेड, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई और एफ ऑफ जेड की जगह यू प्लस आई वी, सो वी गेट यू प्लस आई वी इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई। और आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट ई रेस टू एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, एंड मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू एक्स, सो ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस आई ई रेस टू एक्स साइन वाई। सो यहाँ पे बोथ साइड कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, सो वी गेट रियल पार्ट इज यू इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉस वाई, एंड इमेजनरी पार्ट वी इज ई रेस टू एक्स साइन वाई। सो यहाँ पे जो हमने देखा रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। अब आगे हम देखते हैं डिफ्रेंसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आपको पता ही है डेरिवेटिव के बारे में, 11th 12th स्टैंडर्ड में या डी टू डी जो आप डिप्लोमा में पढ़ चुके हो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के बारे में। यहाँ पे सिमिलर सेम रूल्स आएंगे जैसे डिफरेंशिएबल ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। फर्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ जेड डिफाइंड इन रीजियन कैपिटल आर ऑफ जेड प्लेन, एंड जेड जीरो बी ए फिक्स पॉइंट। सो यहाँ पे हम w इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी भी लिख सकते हैं, वो फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और कंटिन्यूस भी है इन द रीजियन आर, कुछ रीजियन दिया होगा इन द जेड प्लेन, एंड जेड जीरो भी यानी फिक्स पॉइंट, उसके अंदर एक जेड जीरो फिक्स पॉइंट है। इफ लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो एग्जिस्ट एंड इट हैज़ अ सेम वैल्यू of all different path in which z approaches to z0, then it is called the derivative of f of z at z0. अगर आपको limit exist है and same value for different path, अलग अलग path से हमें z0 पे जाए तो सभी की value कैसे होगी same, so we can say that derivative of f of z at z0, and it is denoted by f dash z0. दूसरा फॉर्म देखने जाए तो एफ डे जेड जीरो भी लिख सकते हो आप, देन एफ डे जेड जीरो इक्वल टू हम लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। पुट जेड इक्वल टू जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड, सो वी गेट एफ डे जेड जीरो इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन डेल्टा जेड। इफ एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट इन रीजन आर, देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल इन आर। अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड
इज अ डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट इन रीजन आर देन इट इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएबल इन आर. द रूल ऑफ डिफरेंशिएबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन आर द सेम एज दोज ऑफ रियल कैलकुलस. जो हम रियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के रूल देख चुके वही सेम रूल्स यहाँ पे लगेंगे, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए. हम एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं. रूल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड आर डिफरेंशिएबल फंक्शन एट जेड जीरो देन फर्स्ट एफ प्लस जी इज अ डिफरेंशिएबल एट जेड जीरो. अगर एफ एंड जी एंड एडिशन इज अ डिफरेंशिएबल एट जेड जीरो सो एफ ऑफ जेड जीरो जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन हो गया और दूसरा फंक्शन हो गया जी ऑफ जेड जीरो. अगर डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ प्लस जेड होल डैश इंटू जेड जीरो इक्वल टू एफ डैश जेड जीरो प्लस जी डैश जेड जीरो. सेकंड एफ माइनस जी इज अ डिफरेंशिएबल एट जेड जीरो. सिमिलर सी इंटू एफ इज अ डिफरेंशिएबल एट जेड जीरो. मल्टीप्लीकेशन रूल, एफ इंटू जी इज अ डिफरेंशिएबल एट जेड जीरो. अगर डेरिवेटिव है फंक्शन और मल्टीप्लीकेशन है दो फंक्शन के बीच में एफ इंटू जी, सो यहाँ पे एक फंक्शन एज इट इज होगा, जो दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्लस उसका पूरा ऑपोजिट पार्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड जीरो एज इट. सिमिलर एफ अपॉन जी इज अ डिफरेंशिएबल एट जीरो, उसकी फॉर्मूला ए रही. तो ये बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन के. अब हम एग्जांपल देखते हैं. सो डैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू आई जेड क्यूब इज अ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड. आपको ऐसा बताना है एफ ऑफ जेड इक्वल टू आई इंटू जेड क्यूब जो है वो डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड है. सबसे पहले जो जेड है उसको कन्वर्ट करना है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में करेंगे, या जो जेड है उसकी जगह हम लिखेंगे जेड प्लस डेल्टा जेड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएबल बताना है बाय डेफिनेशन. सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू आई इंटू जेड क्यूब, देयरफॉर एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू आई जेड प्लस डेल्टा जेड रेस टू होल क्यूब. जेड की रिप्लेस में यहाँ पे जेड प्लस डेल्टा जेड लिखा है इक्वल टू आई. ए प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला यहाँ पे लगेगी, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. सो यहाँ पे ए की वैल्यू जेड है और बी की वैल्यू डेल्टा जेड है, सो वी गेट आई होल ब्रैकेट जेड क्यूब प्लस थ्री जेड स्क्वायर इंटू डेल्टा जेड प्लस थ्री जेड इंटू डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड क्यूब. सो बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, फंक्शन की वैल्यू आपके पास है सभी, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करेंगे. सो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू जो यहाँ पे वैल्यू हमने निकाली वो लिख दी माइनस एफ ऑफ जेड की वैल्यू लिख दी अपॉन डेल्टा जेड. हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो आई कॉमन ले लेंगे आई, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो आई जेड क्यूब जो है आई कॉमन निकल गया वहाँ से, सो जेड क्यूब बचा. सो जेड क्यूब कट हो गया, सिर्फ आपके पास बचे थ्री जेड स्क्वायर डेल्टा जेड प्लस थ्री जेड डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड क्यूब, क्योंकि आई कॉमन हो गया था अपॉन डेल्टा जेड. अब डेल्टा जेड को कॉमन ले लो, सो डेल्टा जेड को कॉमन लोगे तो डिनोमीटर में कट हो जाएगा एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू डेल्टा जेड टेंस टू जीरो सो वी गेट थ्री आई जेड स्क्वेयर. सो फाइनली एफ डैश जेड इक्वल टू थ्री आई जेड स्क्वेयर. एक और एग्जांपल देखते हैं. प्रूव डैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नोवेयर डिफरेंशिएबल.
आगे वाले जो एग्जांपल था डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू एफ डैश जेड इक्वल टू 3i z को मिला, सो वो क्या है, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड। लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, बट हियर एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार, जेड की रिप्लेस में हम लिखेंगे जेड प्लस डेल्टा जेड, सो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, सो जेड की रिप्लेस जेड प्लस डेल्टा जेड होल बार, बार को सेपरेट करेंगे तो जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार। बाय द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, सभी वैल्यू आपके पास है, सब्स्टिट्यूट करेंगे जेड बार कट, फाइनली वी गेट डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, आगे लिमिट है डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। सो यहाँ पे दो पाथ हो गए, एक है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, क्योंकि डेल्टा जेड जो है वो एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हम लिखते हैं एक्स जेड को, तो यहाँ पे टू पार्ट लेते हैं, फर्स्ट अलोंग द रियल एक्सिस एंड देन अलोंग द इमेजनरी एक्सिस। सो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो में। सो यहाँ पे फर्स्ट लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, रिप्लेस डेल्टा जेड एज एक्स एंड वाई फॉर्म, और बार है तो वहाँ पे डेल्टा एक्स माइनस आई डेल्टा वाई हो जाएगा, और डिनोमीटर में डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। पहले हम डेल्टा एक्स की जगह जीरो रखेंगे, सो लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स की जगह जीरो, तो जीरो जीरो हो गया, माइनस आई डेल्टा वाई अपॉन आई डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कट, सो वी गेट आई आई कट एंड फाइनली आंसर इज माइनस वन, क्योंकि लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो पर, लेकिन यहाँ पर डेल्टा वाई है ही नहीं तो सिर्फ ओनली फॉर माइनस वन बचा है। सो ये जो लिमिट है, पहले हमें एक्स की जगह जीरो रखा, फिर बाद में वाई की जगह। सिमिलर अब दूसरा पाथ आएगा, फर्स्ट अलोंग द इमेजनरी एक्सिस एंड आफ्टर द रियल एक्सिस। यहाँ पे पहले इमेजनरी एक्सिस लेंगे, इट मींस लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो एंड डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स माइनस आई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई है। डेल्टा वाई टेंस टू जीरो रखेंगे तो बचेगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, सिमिलर डेल्टा एक्स कट, सिर्फ वन बचा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा एक्स है ही नहीं तो वहाँ पे ओनली फॉर वन बचा। सो बोथ आर लिमिट नॉट इक्वल, सो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री द लिमिट इज नॉट यूनिक, इट मीन्स नॉट इक्वल, सो एफ ऑफ जेड जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा, इट मीन्स एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल। एक और एग्जांपल देखते हैं, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन अपॉन जेड एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू जीरो। यहाँ पे फंक्शन जो है वन अपॉन जेड है और वो डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू जीरो है। सो फर्स्ट एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन ऑफ जेड इज नॉट डिफाइंड एट जेड जीरो, अगर वन अपॉन जेड है उसमें जेड इक्वल टू जीरो रखेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इट मीन्स आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो आप बोलोगे फंक्शन इज अनडिफाइंड, फंक्शन अनडिफाइंड है तो नॉट कंटिन्यूस है तो आप बोल सकोगे नॉट डिफरेंशिएबल। सो यहाँ पे वैन जेड इक्वल टू जीरो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो, नॉट डिफाइंड है तो नॉट कंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल। वैन जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मान लो जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो तब क्या करेंगे, सो बाई डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव आगे जो हमने डेफिनेशन देखी उसी टाइप से लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, सो सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो रिप्लेस जेड एज जेड प्लस डेल्टा जेड, सो वी गेट वन अपॉन जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस वन अपॉन जेड अपॉन डेल्टा जेड। एलसीएम लोगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, उसमें आएगी माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू डेल्टा जेड ब्रैकेट जेड प्लस डेल्टा जेड, जो एल सी एम है यहाँ पे जेड इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप
सो आपको पास सिर्फ माइनस डेल्टा जेड बचेगा और डिनोमीटर में जेड इंटू डेल्टा जेड ब्रैकेट जेड प्लस डेल्टा जेड होगा। यहाँ पे डेल्टा जेड कट हो जाएगा, माइनस एन आगे ले दी, सो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड डेल्टा जेड। यहाँ पे डेल्टा जेड टेंस टू जीरो रखेंगे सो वी गेट माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर। यहाँ पे जेड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है सो इट मीन्स जेड की जगह आप जीरो नहीं लोगे, तो लिमिट एग्जिस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जीरो। सो हम बोल सकते एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर, देयरफॉर फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल पॉइंट जेड एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू जीरो। आई होप आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद।